मेड़ता रोड पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों का धरपकड़ अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने दो वर्षों से नकबजनी मामले में फरार चल रही दो महिला समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह तंवर ने बताया कि नकबजनी के आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी कोचिंग छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं मृतक छात्रा के पिता ने एलएन कोचिंग संस्थान पर पढ़ाई के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्षेत्र में एक 16 वर्षीय कोचिंग छात्रा की जो है वो जहर खाने से मृत्यु हो गई। आज उसके परिजन यहाँ आए हैं और जो छात्रा है उसके जो पिता हैं उन्होंने एक रिपोर्ट एसएचओ विज्ञान नगर को दी है। उस रिपोर्ट के आधार पर एक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और जो है वो उसका एसएचओ विज्ञान नगर उसका अनुसंधान करेंगे। श्री गणेश जन्मोत्सव के पावन पर्व पर रावतसर के रामलीला मैदान में गणेश महोत्सव का आयोजन कर श्री गणेश कथा का शुभारंभ किया। पंडित बजरंग शास्त्री ने इस कार्यक्रम का विधिवत मंत्र उच्चारण कर भगवान गणेश की विशाल मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना करवाई। इस मौके पर कस्बे के व्यापारी नरेश अग्रवाल और जगदीश सोनी ने भगवान गणेश की पूजा की, वहीं कस्बे के नागरिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज गणेश चतुर्थी का परम पवित्र और पावन पर्व है। आज रावसर में रामलीला मैदान में बड़े ही धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये 9वां वार्षिक उत्सव है भगवान गणेश जी का, और आज विधिवत स्थापना हुई है और बड़े ही ढोल नगारों के साथ में पूजा अर्चन करके और स्थापित किए गए हैं भगवान गणपति, और ये कार्यक्रम 10 दिन तक रहेगा। आबू रोड शहर में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व के चलते शहर और ग्रामीण अंचलों में महोत्सव की धूम देखी जा रही है। शुभ मुहूर्त के साथ शहर समेत ग्रामीण अंचलों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई, साथ ही वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ भक्तों ने पूजा अर्चना कर मोदक प्रसादी लड्डू का भोग लगाया। वहीं शहर के मुख्य बाजार आजाद मैदान स्थित मरडिया गली के पास 12 फीट लंबी गणेश प्रतिमा की भी स्थापना की गई, जो शहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आयोजित पर्व के चलते करीब शहर और ग्रामीण अंचल में 100 से 150 गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। मेड़ता सिटी शहर के संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुए 6 दिवसीय शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस अवसर पर मेड़ता प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुशील दिवाकर, भामाशाह राम अवतार चितलांगिया, शिक्षाविद टोलाराम अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर शिविर के संयोजक और संस्था प्रधान महेंद्र पारिक ने बताया कि इस शिविर में नागौर जिले भर के शिक्षकों ने भाग लिया। इसके साथ ही शिविर के दौरान बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान पर आधारित विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर आयोजित समापन कार्यक्रम में आए हुए शिक्षकों का माला साफा पहनाकर और मीरा बाई का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर कांग्रेस पार्टी के राज्य सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन रायसिंह नगर के दौरे पर रहे। इस दौरान सह प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर उन्होंने कहा कि जिसको लेकर पार्टी स्तर द्वारा कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाएगी। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए निजामुद्दीन ने कहा, भाजपा के पास चुनाव जीतने का कोई विजन नहीं है, जो हम कार्य करते हैं वह हमारे पीछे पीछे वही कार्य शुरू कर देते हैं। कोलायत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर चमत्कारी गणेश मंदिर में विशेष सजावट की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पुजारी पवन और मनमोहन ने बताया कि मंदिर में देर रात से सजावट का कार्य स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर किया है। संजय पुरोहित ने बताया कि मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया, फिर प्रसादी का वितरण किया गया। सिरोही जिले में वेल्कमार्क लो प्रेशर सिस्टम होने की वजह से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सर्वाधिक बारिश माउंट आबू में दर्ज की गई, जिसके चलते शहर में पिछले 50 घंटे में 14 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं बदले मौसम की वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जहां पर्यटक नक्की झील को पानी से लबालब देख उत्साहित नजर आए। लेकिन बारिश के बीच लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है, क्योंकि शहर में सीवरेज कंपनी के द्वारा किए गए कार्यों के बाद सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई, जिससे वाहन चालकों राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समर्थकों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कुछ दिन पूर्व दिनेश झारखंड हत्याकांड में विरोध प्रदर्शन के दौरान रास्ता जाम करने और बस में आग लगाने के मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ दर्जन भर आपराधिक मामलों को देखते हुए मीणा की हिस्ट्रीशीट खोल दी थी। नरेश की जमानत न होने के बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन के बाद नरेश मीणा का परिवार मिनी सचिवालय परिसर में अनशन पर बैठ गया है। हमारी मांग है कि युवा नेता किसानों का, वंचित वर्ग का और शोषितों का, पीड़ितों की आवाज को उठाने वाला युवा नेता नरेश मीणा के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। नरेश मीणा के ऊपर अब तक के लगे हुए मुकदमे में जहाँ तक समझता हूँ कि चोरी, डकैती, शराब, रेत माफिया, भू माफिया, इस तरह का मैं जहाँ तक समझता हूँ एक भी मुकदमा नहीं है। नरेश मीणा के ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो सारे के सारे मुकदमे वंचितों, शोषितों, युवाओं, किसानों और छात्रों की आवाज़ को उठाने, उनके अधिकारों को आवाज़ को उठाने के लिए लगाए हुए मुकदमे हैं। उसमें हिस्ट्री सीट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बीकानेर में 67वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग का बीबीएस स्कूल परिसर में उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री कल्ला ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से खेलों में हम अनुशासन, मेहनत से जीत हासिल कर सकते हैं, उस प्रकार से जीवन में भी अनुशासन और कड़ी मेहनत से सफलता पाई जा सकती है। साथ ही कहा कि खेलों के जरिए राजस्थान में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 20 सितंबर से 23 सितंबर तक राज्य स्तरीय बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता का टूर्नामेंट महारानी स्कूल प्रायोजित रही है और गीताजी ग्रुप जो है हल्दीराम ग्रुप जो है उसकी तरफ से यहाँ पे हॉस्पिटलिटी की पूरी व्यवस्था की गई है। मैं इस अवसर पर तमाम राजस्थान से पधारे हुए विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बहनें यहाँ आई हैं वो अच्छी तरह से खेल को खिलाड़ी की तरह खेलेंगी और टीम स्पिरिट से खेलेंगी और आने वाले वक्त में ये संकल्प लेके जाएंगे कि हम बड़ी होकर के बास्केटबॉल का ओलंपिक जब भी होगा तो उसमें गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी